और पत्ते जड़े ना बॉयल हो चुके ने तकरीबन, और इतना तुसा उबाला दिना दीवाना है कि जड़ा ना ग्रीन हो। और माशाल्लाह चाय जड़ी आ साडी तैयार हो गई है, और मग्गे दे विच असी फेंट के ले आंदी आ, और हाथ या सारे कपड़े जड़े आ धो लिया, और बाकी एक सूट है आला। ओ वेखो त्रै चार अली दे ने, बाकी इहदे अपने। और शाम के खाने आलू के नाल जड़ा अंडा ये तैयार हो रहा, एक अंडा है और अद्धा खाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, की हाल मेरे तमाम भैन भाइयों, तो उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो सो, तो अल्हम्दुलिल्लाह असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जड़ा ना एक स्पेशली रेसिपी बनावन जा रहे हैं, जो कि पहले शायद तुसा यूट्यूब ते कम ही देखी होगी, तो आओ आज दी वीडियो स्टार्ट करने हैं। तो जड़े भैन भाई साढ़े चैनल ते नवे ने या पुराने ने, जिन्होंने बैल प्रेस नहीं की थी, बैल नू जरूर प्रेस कर लो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत शुक्रिया। तो आओ आज का व्लॉग स्टार्ट करने। अज असी तुहानू दिखावन वाले हाँ कि अमरूद के पत्तियां दी जड़ा ना सबज सबज चाय कैसे बनाई जाती। सब तो पहले असी अमरूद के बाग आए हैं, जिंदे चो असी पांच तो सत्त पत्ते जड़े ना अमरूद के तोड़ लेने हैं फ्रैश फ्रैश, ठीक है, इस तरह के। पत्ते असां जी तोड़ लाए, और हुण इन्हां जाके पहले करांगे बॉयल। सब तो पहले पत्ते जड़े ने चंगी तरह धो लवांगे असीं, ठीक है ना। और इतना तकरीबन कप डेढ़ पानी जड़ा ना इन्दे विच ऐ पत्ते जाणगे, ठीक है ना। पत्ते भी तुसी इन्दे तो भी काम कर सकते हो, तकरीबन पांच तो छे पत्ते जड़े ना वो ऐड किए जाणगे, क्योंकि ज़्यादा अगर असी ऐड करांगे तो फिर इन्दे नाल थोड़ी जी ज़्यादा जायका बन सकता। और पत्ते जड़े ना बॉयल हो चुके ने तकरीबन, और इतना तुसा उबाला दिना दिवाना है कि जड़ा ना ग्रीन हो जाए पानी, इस तरह कुछ ऐ देख सकते हो, इस तरह पानी तकरीबन हो जाए उस टाइम तुसा पत्ते जड़े ना वो निकाल लेने ने, ठीक है ना। और कावा तकरीबन तैयार हो चुके है, हुण असी इहदे विच थोड़े जे सौंफ ऐड करा। सौंफ जी ऐड कर दिते गया थोड़े सारे, इन्ने तकरीबन एक चमची सौंफा दी जड़ी ना ऐड कर लेनी, ठीक है ना। उस तो बाद एक चमची जड़ी ना वो अद्धी तकरीबन पत्ती दी पा लेनी, इन्नी तकरीबन पत्ती ऐड कर लेनी, ठीक है। इनू हुण उबाला आवेगा और बहुत ही प्यारा टेस्ट और जायका बनेगा इंदा। और हसबे ज़रूरत चीनी भी ऐड कर लेनी है, अगर नमक ऐड करना है तुहाडी मर्जी, वरना ना भी पाओ तो तां भी कोई नहीं। और इनू तुसा चंगी तरह एक बार उबाला आवन देना, उस तो बाद इन्दे च दुध ऐड किया जाएगा। उबाला आ चुकिया है, और इन्दे च जड़ा ना दुध थोड़ा पाओ ज़्यादा पाओ वह तुहाडी मर्जी है, लेकिन असी इन्दे विच तकरीबन डेढ़ पा दुध पा दिता है। और चाय नू उबाला तकरीबन आ चुका है, और कलर भी तुसी देख सकते हो, तकरीबन दो तो तीन उबाले तुसा दिला लेने, अगर हल्की आंच पकाओ तो तकरीबन पांच तो सात मिनट तुसा पका लेनी तकरीबन। और माशाल्लाह चाय जड़ी आ साडी तैयार हो गई है, और मग्गे दे विच असी फेंट के ले आंदी आ, और नाल आ गए जी जीरा बिस्कट, जीरा और रेम्बो, ठीक है ना। और चाय का टेस्ट जड़ा ना वो आसिया दसेगी चेक करके, कर खा चेक। मजा आया, बड़ी मजेदार जबरदस्त बनी, और क्या बड़ा ही ऐसे तरह नहीं कर गया आपा।
आज फर्स्ट दफा जड़ी है ना ये चाय बनाई है और कलर सेम है लेकिन जायका इतना प्यारा है ना, मैं भी तुहानू थोड़ा जा चेक करके दसना जायका कैसा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक दी कुदरत दा जायका बहुत ही जबरदस्त है और नेचुरल चीजा नाल बनाई गई चाय है और तुसी भी ट्राई जरूर करनी है, बहुत ही मजेदार है। क्यों आसिया जबरदस्त है ना, जबरदस्त। मैं क्या भी आज जरा ना टेस्ट करके आज टेस्ट करके चेक करने हैं और जिस बहन भाई ने पीनी है आ सकते हो। और चाय वगैरह पी ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आई। तो हूँ तुम थोड़ा जहा व्लॉग की तरफ ले चलने हैं और तुसा ट्राई जरूर करनी है, ये नहीं कि सिर्फ मैं जरा कोलू तुके लाना, तो तुसा आप खुद ट्राई करके चेक करनी है कि कैसी बनती है अमरूद के जायके वाली नाल सौंफ वगैरह पा के। तो आओ हूँ थोड़ा जो तुम्हें विलॉग की तरफ लै चलने और आसिया धोन लगी हूँ कपड़े, सरफ जी है ना बाल्टी च पा के ते कपड़े पेवे गए। किन्ने को कपड़े ने तेरे? पांच सूट। आज धोप जाते अच्छा, सरफ ही खत्म हो गई सारे कपड़े जड़े धो लिया और बाकी एक सूट है आला। ओ वेखो त्रै चार अली दे ने, बाकी इंदे अपने ने सारे कपड़े हुण धोते सो और हुण जड़ा ना हुण की करन लगी, हुण जड़ा शाम दा खाना तैयार करन लगी आ। अजे तक किन्ना दिन खला, सिर्फ हाले सालन पकावेगी, बाकी मजीद रोटियां वगैरह शाम नूं पकण गया। और शाम दे खाने च आलू ते नाल जड़ा अंडा ये तैयार हो रहा, एक अंडा है और अद्धा घाउ बचा होया, इहदे विच हुण ऐड करके जड़ा ना सालन साडा बन जाएगा काफी सारा। सालन माशाल्लाह पक गया, इधर रख देने हैं ते आन के साल रोटियां पका सा। आटा गोन के मैं डब्बे च पा लिया है, गोन के फ्रिज में रख देने हैं, आन के पका सा रोटियां। और जा किथे रहे हैं हुन? ओ तू ही दस दे, तैनू पता है। और हुण असी जड़ा ना जा रहे हैं जिथे वो तुहानू सूरतेहाल सारी अगली वीडियो मिलेगी, आज दी वीडियो इत्थे ही एंड करने हैं। तो इंशाल्लाह जड़ा ना इत्थों ही नवा व्लॉग स्टार्ट करांगे और नैक्सट वीडियो तुसी देख लेना कि असी मतलब कि इस टाइम कित्थे जा रहे हैं और असर दी नमाज जड़ी ना अजान हो रही है इस टाइम। इंशाल्लाह अगले व्लॉग हुंदी है मुलाकात। सारे भैणां भाईआं नूं अल्लाह हाफिज़।